इंडियन नेवी के युद्धपोत पर पहली बार तैनात होगी दो महिला अधिकारी, नाम कुमुदिनी त्यागी और रिति सिंह। भारतीय नौसेना में लिंग समानता को साबित करने वाले एक कदम के तहत सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी तथा सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह को नौसेना के युद्धपोत पर क्रू के रूप में तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि वो दोनों ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। हालांकि भारतीय नौसेना कई महिला अधिकारियों को भर्ती कराता है, लेकिन अब तक महिला अधिकारियों को युद्ध पोतों पर लंबे अरसे के लिए तैनात नहीं किया गया है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे क्रू क्वार्टर्स में निजता की कमी तथा महिलाओं के लिए विशेष बाथरूम व्यवस्था की उपलब्धता ना होना। लेकिन अब ये सब जल्द ही बदलना तय है, क्योंकि दो युवा महिला अधिकारी नौसेना के मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में लगे सेंसरों को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रही है। माना जा रहा है कि ये दोनों अधिकारी नौसेना के नए MH-60R हेलीकॉप्टरों में उड़ान भरेंगी। MH-60R हेलीकॉप्टरों को अपनी श्रेणी में दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसे दुश्मन के पोतों और पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने और उन्हें सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है। साल 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसका मूल्य लगभग 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर था। आपको बता दें कि महिला अधिकारियों की युद्ध पोतों पर तैनाती की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारतीय वायुसेना ने भी महिला लड़ाकू पायलट को राफेल विमानों को ऑपरेट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।